करके लेके गया ना, लेके जाके सिर्फ 2 महीने अच्छा रखे, 2 महीने अच्छा रखे, उसके बाद लड़ाई झगड़ा किरकिरी टॉर्चर करते थे, टॉर्चर करके हमारे घर में ला के भेजा दिए, हम लोगों को बुलाए लड़के झगड़ के, हमारे ले लेके जाओ बच्ची नहीं रहना तुम्हारी, बोलते मैं ले लेके चले गई, ले लेके चले गई, थोड़े दिन घर में रख ली, फिर उसके बाद बोले अब भिजाना तो भिजाना, नहीं तो तुम्हारे को तलाक देते, बोले बच्ची डर के क्या करी, अम्मी मैं जाती हूँ थोड़े दिन जिंदगी कर ले, चले गई बच्ची, जिंदगी का सवाल है बोल तो चले गई, चले गए के बाद में क्या करे फिर वो लोग, अब गए बाद में बच्ची प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी हो गई के बाद में क्या करें, अब प्रेगनेंसी हो गई बच्ची, फिर उसके बाद क्या बोले उनके शोहर, ये देखो खाना बनाओ तुम सुबह में, खाना बनाओ बोल के बोले बच्ची को, जब तबीयत ठीक नहीं थी, खाना बनाना तो बनाना, अगर खाना तुम नहीं बनाए तो मैं इसी टाइम पे तुम्हारे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, नहीं बोले तो बोले वो बुक करके घर को भेज देता हूँ, तुम नहीं बनाए ना मैं तुम्हारा क्या हश्र करता हूँ, आज क्या होता सो तुम्हारे को डराए, उन लोगों ने धमकियाँ दी, धमकी दामा 2 महीने के बाद से शुरू कर दिए थे, और धमकियां दी है बच्ची को, फिर बच्ची की धमकियां देखे, फिर हमारे को फोन करके बुलाए, आओ तुम लोग तुम्हारी बच्ची को आप यहाँ, हम मेरे को बुलाए तो सिर्फ मैं छोटे बच्चे को ले लेके गई, गए तक उनके पूरे लोगों को बुला के घर भर के लोगों को बिठा के रखे, आप क्या टाइम पे सुसाइड हुआ और कब हुआ? ये सुसाइड अब क्या टाइम पे हुआ, 3 बजे हमारे को फोन आया, हमारी बहन फोन करे, फोन करके हमारे महिला भाई को, बहन हमारे बहन बड़ी बहन हमारे मंजले भाई को ये तला दिया, हमारे मंजले भाई हमारे घर पे आए, आपके बहन को कौन दिया तला? हमारे बहन को हमारे दामाद आए कहते, दामाद आके उनके बहन खाले रे, मतलब हमारे दामाद आए, दामाद आके क्या करे उनके दामाद को फोन करे, बोला भाया भाया है, फोन करे, फोन करे तो मालूम हो लो, तो ऐसा कुछ पैसों के सोने के लिए कुछ टॉर्चर नहीं, वैसा नहीं था, सिर्फ टॉर्चर ये करते थे तुम अच्छे नहीं है, तुम नहीं रहना यहाँ पे, तुम चले जाओ, पसंद से करे थे शादी आपको? हम बड़ों की पसंद से करे थे, तो पसंद नहीं करे थे, नहीं 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 पसंद नहीं करे थे, बड़ों की पसंद की थी, रसम वगैरह नहीं करे थे, रसम करे तो बच्ची को देखते ना, रसम करे थे देखे, तो हमारे दामद थे ना खलेर दामद, हम क्या करे उन पे भरोसा करे पूरा, अरेंज मैरिज रसम करते ना, दिखाते नहीं, दिखाए लेकिन दरियाफी नहीं करने दिए वो लोग हमारे, क्या बोले हमारे पे भरोसा करो, हम है ना बोल के हमारे भाव नहीं, और बोलते सो उनके दामद दोनों मिलके हमारे को ना तो कॉलेज में करने दिए ना तो वहाँ करने दिए, उनके भरोसे पे मैं बच्ची को शादी करके दे दी, दे दिए बाद में हमारे दामाद क्या करे जो रिश्ता लगाए थे उन्होंने मेरे से बात बंद कर डाली, तुम बात नहीं करना मेरे से, बोले मैं बोली तुम रिश्ता लगाए ना, बोलता मैं लगाया रिश्ता, अब मैं तुम्हारी बात एक भी नहीं सुनता हूँ, बोल के नहीं बात करे उन्होंने, जब से रिश्ता लगाए उन्होंने बात बंद कर दिए, अब ये किस किस का हाथ है भाई, अब तुम लोग उसमें देखना, हाँ ऊपर दे दिए तो सीए साहब से भी गुजारिश है कि इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, और एमएस कॉलेज के जिम्मेदारान हैं उल्लामा। अस्सलाम वालेकुम भाई, हमारे दीदी का इंतकाल हुआ, सुसाइड कर लिया उन्होंने, हाँ सुसाइड मेंटली टॉर्चर करे इसके सुसाइड हुआ, मंडलागुड़े में दिए थे उनको, एमएस कॉलेज के लेक्चरर है उन्होंने, हमारे जो भोनई है अजहर पाशा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करे, शादी से खाली 2 महीने तक अच्छा रहे, बस 2 महीने के बाद टॉर्चर आ पंचायत आ, बस यही था, और 6 महीने का बच्चा था पेट में, उसको मेंटली टॉर्चर करके बच्चे को भी ख़त्म कर दिए, 3 महीने तक हमारे घर में थे दीदी, उसके बाद फिर 1 महीना लग गए, 1 महीने के बाद फिर हमारे दीदी को भी ख़त्म कर दिए। कहाँ पे रहते थे, कौन सा एरिया था ये? ये बंडलागुड़ा कौशनगर में है, रोड नंबर 15। तो ये रिश्ता कैसे जमा था, आप लोग लव मैरिज थी तो? नहीं नहीं अरेंज मैरिज थी ये, हमारे खलेर दामाद है हमारे, दोनों मिलके जमाए थे, बहुत अच्छे तो टॉर्चर क्या बात से कर रहे थे, कुछ लेन-देन के लिए क्या? अच्छे नहीं है तो? नहीं नहीं अच्छे नहीं है, उतना 18 घंटे काम करना, हमारे सामने रहना, हमेशा रहना, काम करते ही रहना, 24 घंटे वही करना, खाली काम 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 नहीं कर रहे आप, वही था टॉर्चर, सास ससुर ननद देवर तो पूरे साथ में मिलके रहते थे, हां साथ में रहते थे, शादी हो के कितने साल हो गए? सिर्फ 13 महीने, 13 महीने में आराम करे, पहले बच्चे को मारे प्लानिंग करके, फिर अब इनको भी खत्म कर दिए इसी करके, बच्चा को ले लेके गया बच्चे, जो वहाँ पे सुसाइड जाते होगा जी, वहाँ पे कुछ ऐसे चीजें मिले जिसपे फोन चेक करने के लिए कहा गया, तो ऐसा क्या चीज़? हाँ उन्होंने मरने से पहले 3 पेपर लिखे, उसपे लिखे हुआ है कि मेरा फोन चेक करो उसमें डाटा है, और एक जो कैमरा है उनके घर के पास कैमरा भी चेक करो बोल के बोले, बताओ और एक पेपर लिखे कि मैं सुसाइड कर ले रही हूँ, हाँ लिखा है ना, जबरदस्ती लिखा है सर, उनको मेंटली टॉर्चर बहुत था, हाँ पूरा करते थे हमेशा वही करते थे, उन्होंने टॉर्चर करके, बच्ची थी मेरी पढ़ी लिखी काबिल बच्ची थी, शादान कॉलेज से बीटेक करे सो मेरी दीदी, सीएससी करे सो है, एक 2020 में पास आउट हुए ना 75% से, और जो एमएस कॉलेज के जिम्मेदार हैं उनसे मैं दबा गुजारिश करता हूँ कि
जो मेरे भौनाई हैं थे अब तो नहीं है, उनको जॉब से निकाल देना। कौन से ब्रांच में स्टडीज करा? ये अत्तापुर पे है, रोड नंबर पिलर नंबर कुछ 112 है। उनको कौन से भी कॉलेज में नहीं मिलना, उनको जॉब नहीं मिलना। और इंस्टाग्राम पे भी उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, बच्चों को फॉलो करते हो ना, उनके घर का नाम गंदे है पहले से। तो आप लोगों से ज़्यादा लोगों की गुजारिश है, एमएस कॉलेज वालों से, जिम्मेदारान से, उनको कैसा भी जॉब पे से निकाल देना और कौन सी भी जॉब नहीं मिलना। इंसाफ होना, इंसाफ होना हम आप जो अभी हुकूमत है इंसाफ चाह रहे हम लोग।